के सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये 10th क्लास में आता है। तो अपने इक्वेशन दे रखे 2x - y बराबर -1, 2x + uy बराबर 11, ये इक्वेशन दे रखे। तो ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गए। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, ये वाली को 2x - y बराबर -1, ऐसे चेंज कर लेंगे। इस -1 को बराबर के लिए आएंगे और उसको इधर ले आएंगे, इधर माइनस में था उधर आएगा था प्लस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 प्लस 1, यहां माइनस था इधर आके बराबर y, सो चेंज कर देंगे y बराबर 2x प्लस 1, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास y की वैल्यू, अब हम रख लेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड में रखेंगे y की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x + 3y बराबर 11, इस इक्वेशन में यहां पर y की जगह क्या रखेंगे हम, 2x + 1, 2x + 3, 2x + बराबर 11, ये इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में रख दिया। 2x प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 1 जा 3 बराबर 11। अब यहां पर 2x प्लस 6x दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 6 8x, 8x प्लस 3 बराबर 11। अब 8x प्लस 3 बराबर 11, तो इस 3 को बराबर को उधर लाएंगे, यहां प्लस में था उधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 8x बराबर 11, यहां प्लस में था उधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा। ये 8 को बराबर कर लेंगे, यहां मल्टीप्लाई में था उधर आ रहा तो डिवाइड, तो x बराबर आ गया 1, ये आ गया x बराबर 1। अब सेकंड इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन थी, इस थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, थर्ड इक्वेशन है y बराबर 2x + 1 y बराबर 2 मल्टीप्लाई x बराबर 1 था 1 + 1, 2 1 =